कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग के चक्कर में मैं बिज़ी था। तो आज हम लोग इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं एनएक्स कैम कैड के अंदर। तो थोड़ा सा प्रॉपरली विजिबल नहीं है क्योंकि इमेज थोड़ा छोटा है ये, तो आप चाहें तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास एक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और सेक्शन व्यू एच एच, तो एच एच से कटिंग हो रहा है तो ये सेक्शन दिखाई दे रहा है। और एक आई आई सेक्शन है, वो सेक्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके अंदर मैं इस फ्रंट से ही इसे बनाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद ये रिब वगैरह बनानी है और इस साइड का बनाना है इसके बाद बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और नोटिफिकेशन का बेल को भी ऑन करिए ताकि आपको इस टाइप की वीडियोज़ का मैसेज अलर्ट आपको मिलता रहे। तो स्केच ले लेते हैं और फ्रंट प्लेन जो है मेरा वाई जी, यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक सर्कल से। सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसकी डायमेंशन कर देते हैं। डायमेंशन आउटर वाला सर्कल है, आउटर सर्कल मुझे इधर से मिलेगा ये 28 का, ये वाला है अंदर का जो दिख रहा है मुझे ये, और ये वाला जो है बड़ा वाला है जो 82 है। ओके, ये 82 मुझे लग रहा है, तो 82 ले लेते हैं इसे। ओके, ये वाला 82, और इसको मैं हाफ कर देता हूँ, मुझे पूरा तो चाहिए नहीं। और ट्रिम देखिए, मैं बनाते हुए हमेशा कोशिश ये रखता हूँ कि अब मिनिमम टाइम में इसे बना पाएँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई और बेटर ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज़ आप शेयर करिए मेरे साथ। ओके, तो ये मेरा हो गया। अब ऊपर वाला पोर्शन, उसके लिए एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ से सिंपल लाइन ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर तक फिर एक लाइन इधर से, फिर ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और एक सर्कल अंदर और भी है तो वो सर्कल चलिए बाद में बना लेंगे। अब बात आती है इसकी डायमेंशनिंग की। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आउटर वाला है वो 23 का रेडियस है, 46, और यहाँ से जो टॉप है वो 79 है, तो ये 79 है बिल्कुल नीचे से। 79 माइनस रेडियस 23 का, तो आप माइनस कर दीजिए, इसकी पोजीशन आ जाएगी। पॉइंट को पिक किया और यहाँ इसके साथ कॉन्सिडेंट, ये गलत है, ये नहीं, हमें ये वाला चाहिए, ये 56। तो अभी ये दो को ही ले लेते हैं, फिनिश करिए इसको। मैं एक काम करता हूँ, इसे हाइड कर देते हैं और थोड़ा सा इस वाले व्यू को भी मैं शो करा लेता हूँ। अब एक्सट्रूड लेते हैं और यहाँ से आप ले लीजिए इसको रीजन बाउंड्री कर्व। तो पहला रीजन मेरे पास ये वाला है और ये 66, तो इसे लेते हैं 66 का हाफ 33, सिमेट्रिक अप्लाई। और ये ऊपर वाला, और इस ऊपर वाले को हम देखें तो नहीं, ये नहीं है ऊपर वाला, ये 40, तो 20 कर दीजिए और 20। ओके, अब इसे हमें करना है शेल। तो शेल के लिए जो है आप इसको लीजिए 46, नहीं 40, और इनर वाला 32, 8 का डिफरेंस 4 की थिकनेस, राइट। अंदर वाला जो है ये 32 है और ये बाहर वाला 40 है, 8 का डिफरेंस, तो वॉल की थिकनेस 4 हो जाएगी। तो अभी शेल लेते हैं और करते हैं इसे ये वाला फेस हॉलो 4 की थिकनेस। ओके, फिर से लेंगे, क्लिक करिए और यहाँ पे मुझे एक सर्कल चाहिए,
और इसके सेंटर पे भी चाहिए, यहाँ पे भी सर्कल चाहिए और यहाँ पे दो सर्कल चाहिए, तो आप दो सर्किल बना दीजिए। सबसे छोटा वाला सर्कल, जो सबसे छोटा वाला है 16 का है, राइट, इसको आप कर दीजिए 16। और जो ये सेकंड वाला है, ये बाहर का है, आउटर वाला, ये 16 और दूसरा 26, तो 26 यहाँ से मिलता है मुझे, ओके। और ये वाला जो है, जो कट है ये मेरा, ये वाला है 28, ये अंदर वाला है 28 का, डबल डबल 26, एग्जैक्ट। चलिए इतने को यूज़ करते हैं, फिर बाकी इसके बात करेंगे। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड ले लीजिए, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, ओरिजिन बाउंड्री ना लेके सिंगल कर लेता हूँ, राइट। और इसे आप करिए सबस्ट्रेट सिमेट्रिक बोथ साइड अप्लाई। और फिर ये जो छोटा वाला सर्कल है इसे सिलेक्ट किया, इसे कर देते सिमेट्रिक अप्लाई। अब शेडिंग को ऑन कर लीजिए आप। अभी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे चाहिए, तो ये रीजन बाउंड्री कर्व लेगा नहीं, तो पहला कर्व ये हो गया और दूसरा कर्व ये हो गया, और ये मिडल से यहाँ से कितना था, ये 32 था, तो 32 का हो जाएगा 16, तो 16 से स्टार्ट होगा। और ये बाहर तक कितना आ रहा है, ये है 46। आप यहाँ से देखिए कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, तो ये 46 ही मुझे लग रहा है, ये दोनों आपस में सीध में ही आ रहे हैं। नहीं तो ये यहाँ से मुझे मिल जाता कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, ये नहीं दिया 40, इधर से भी नहीं है, तो 46 कंसिडर कर लेते हैं इसको। तो 46 का हाफ कर दीजिए आप, फोर्टी सिक्स का 23 हो जाएगा, और ये हमारा यूनाइट रहेगा अप्लाई। सेम आप इसको मिरर कर लीजिए, या फिर हम इसे कर सकते हैं दोबारा से रिपीट, तो अभी के लिए मैं इसे मिरर करता हूँ। ओके, अब बीच का जो गैप है, इस वाले गैप को मैं देख लेता हूँ। यहाँ से आप जाइए मेजर, और ये गैप कुछ कम ही होगा, ये 58 है और मुझे चाहिए ये 46। तो 12 हो गया, तो 66 मैं दोनों साइड से इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि 46 आ जाए। तो सभी कैंसिल किया और यहाँ से जाते हैं, यहाँ से है ये रीजन ऑफसेट, इसे क्लिक किया 6, और इधर से भी आप सिलेक्ट कर दीजिए, ओके। और फिर इन्हें ले लेते हैं दोबारा से मिक्सर करके, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ 46, तो बीच का गैप मेरा 46 ही ठीक आ गया, कैंसिल। अब इसके बाद एक और ऊपर भी है, तो आप इसे बाद में बना लीजिए, शुरू में बना लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, पर इसे हम लेते हैं अब इधर से, और रेक्टेंगल, और ये है, ये गैप मुझे कहीं पे गिवन नहीं है एज सच, कहीं पता नहीं चल रहा है कितना है, तो मैं इसे ही कंसीडर करता हूँ। और ये 120 फ्रॉम मिडल, ठीक कर दीजिए, ये 46 ठीक है, ओके। और यहाँ पे फिलेट, अब फिलेट भी यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है, लेकिन ये जो होल है वो मुझे दिया हुआ है 8 का, तो इसका रेडियस हम 16 कंसिडर कर लेते हैं, सॉरी 8 का डाया है, तो 8 कंसिडर करना पड़ेगा, 8 वो 8 का डाया है और ये 8 का रेडियस हो जाएगा। और चाहे तो सर्किल भी यहीं पे ले लीजिए, 8 और 8, एक सर्किल यहाँ पे बीच में भी है,
इस सर्किल को ले लेते हैं और ये सर्किल है 20 का डायग्राम कट होने के लिए शेडिंग ऑन फिर एक्सट्रूड और कनेक्टेड कर जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसकी थिकनेस है 12 और यूनाइट हो जाएगा ओके देख लेते हैं एक बार इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसे भी कर देते हैं मिरर मिरर अबाउट दिस ओके और जो ये सर्कल है इसे पिक किया और सब्स्ट्रैक्ट स्केच इसको हाइड कर दीजिए अब बचा है फिलेट तो फिलेट यहाँ पे भी चाहिए इधर भी बाहर भी चाहिए तो एक बार देख लेते हैं देखिए तरीका क्या होता है कि कुछ हमारा रहा या गलत तो नहीं है एक बार चेक करने के लिए ये 18 वाला मैंने ले लिया 23 का भी मैंने ले लिया और 28 ये भी ले लिया 12 ये भी ले लिया 8 भी ले लिया और ये दोनों डायमेंशन ली 32 इनके बीच का सेंटर टू सेंटर तो 32 बैठता है तो लेट्स चेक इट ये लिया नहीं है मैंने सिंपली पिक किया था ये 26 बैठ रहा है 26 और 32 आना चाहिए था तो इसे मैं यहाँ से जाता हूँ एक बार फिर से मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ ये 30 ही आ रहा है राइट और ये 32 होना चाहिए था तो 1 mm और रिड्यूस करना पड़ेगा इट मीन्स ये जो हमने बनाया था ये वाला स्केच इसमें जो रेडियस है वो अब मुझे 8 की जगह लेना पड़ेगा 7 तो 1 mm इधर शिफ्ट हो गया और 1 mm इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि ये रेडियस मुझे गिवन नहीं था ये हमें इस तरीके से निकालना पड़ा अब चेक कर लेते हैं इसको हम तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक आ गई है उधर का मिरर है तो वो भी ठीक ही होगा अब इसको मैं हाइट कर देता हूँ और यहाँ से चलते हैं रिब के लिए ओके तो जैसे मैं बना रहा हूँ सेम सिंपल स्टेप है बस आप प्रैक्टिस करते रहिए बनाते रहिए अपने आप बनने लगेगा और रिब लेना है तो यहाँ से मत लीजिए रिब ये लिया रिब सिलेक्शन करते हैं इस कर्व से और थिकनेस है 6 ओके इसको मिरर करना है तो मिरर के लिए रिब और स्केच दोनों को सिलेक्ट किया मिरर फीचर अबाउट दिस ओके और स्केच इसको हाइड अब कुछ फिलेट बची हुई हैं तो फिलेट को लेते हैं फिलेट वाले और यहाँ पे फिलेट तो कहीं नहीं है 46 ये वैल्यू 82 120 मैंने ले लिया 20 मैंने ले लिया 16 भी ले लिया 79 भी ले लिया 28 तो ये वाला ही था ठीक है तो यहाँ से भी दिख रहा है यहाँ पे भी था सेम ही है 32 46 सारे डायमेंशन हमने ले लिए अब 2 का रेडियस लेके मैं यहाँ पे राम लगा देता हूँ ये सब 2 लिया बाहर का और अंदर भी यहाँ से देखेंगे तो देखिए दिख रहा है ना इधर भी दिख रहा है तो अभी मैंने 1 का लिया लेट्स सी अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको इंक्रीज कर लेंगे ये गिवन नहीं है तो मैंने इतना ही ले लिया और अब एक बार मैं आपको चेक करा था क्रॉस सेक्शन से भी हमें ये बेनिफिट हो जाएगा कि हमने प्रॉपरली बनाया कि नहीं बनाया हम चेक कर पाएंगे तो ये पहला क्लिक किया ये वाला पोर्शन
यहाँ पे बहुत हल्का सा लग रहा है बिकॉज ऑफ हिल, तो एक प्लेट यहाँ पे भी है इसका मतलब, मैं उसे भी ले लूँगा और फिर चेंज कर दूँगा टॉप और इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करके लेके जाइए। ये भी है और हो गया प्लेट, हो गया इधर का प्लेट भी आ रहा है। अब प्लेट थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है इधर की तरफ, बल्कि शो नहीं हो रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसको टू कर देते हैं, बाकी सब जगह मुझे ठीक लग रहा है। ओके, हटाना चाहते हैं इसे हटा दीजिए। और ये वाला प्लेट नहीं है, ये वाला ही टू का है। ओके, और बाकी हमारा ये सब ठीक है। एक इस पर भी प्लेट आ रहा था यहाँ पे, तो प्लेट लेके तो इस तरीके से आप इस मॉडल को बना सकते हैं। और शेडिंग करना है व्यू में तो ट्रू शेडिंग में पास होती है, आप ट्रू शेडिंग डायरेक्टली ले लीजिए और शेडिंग मोड कैसा रखना चाहते हैं, राइट। सो होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।